नमस्कार, आज के हिंदी पाठ में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज के पाठ में भी हम लैगून और समुद्री खेलों के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, परंतु इसके साथ साथ हम क्रिया के सामान्य वर्तमान काल पर भी बात करेंगे। पर सबसे पहले ये पाठ सुनते हैं। हर वर्ष मॉरिशस में बहुत से पर्यटक आते हैं। उन्हें हमारे लैगून बहुत पसंद हैं। उनका आनंद लेने के लिए वे समुद्र तट के नजदीक के होटलों में ठहरते हैं। हमारे लैगून तैरने और समुद्री खेलों के लिए एकदम सुरक्षित हैं। इनमें खतरनाक जीव जंतु नहीं हैं। पर्यटक निश्चिंत होकर लैगूनों में तैरते हैं और तरह तरह के समुद्री खेलों का मजा लेते हैं। सर्फिंग, गोताखोरी, स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग पर्यटकों के मनपसंद खेल हैं। समुद्र के किनारे बने होटलों में पर्यटकों को ये सारी सुविधाएं आराम से मिल जाती हैं। मुझे भी तैरना बहुत पसंद है। गर्मियों की छुट्टियों में कभी दोस्तों के साथ तो कभी परिवार के साथ मैं समुद्र तट जाती हूँ। लैगून में हम घंटों तैरते रहते हैं। रेत पर घरौंदे भी बनाते हैं। मन हुआ तो हम भी पैरासेलिंग कर लेते हैं। बीच वॉलीबॉल भी युवकों का एक प्रिय खेल है। हमें अपने समुद्र तटों को साफ रखना चाहिए। साफ सफाई देश तथा देशवासियों का गौरव है। स्वच्छ देश को सभी पसंद करते हैं। जहां स्वच्छता होती है वहां अधिक से अधिक पर्यटक आते हैं। ऐसे देश में बीमारियां भी कम फैलती हैं। इससे देश समृद्ध होता है। प्रिय साथियों, आपने पाठ सुना। आशा है कि आपका ज्ञान बढ़ा होगा और आपका शब्द भंडार भी। आइए अब पाठ में आए शब्दों के विपरीतार्थक यानी विलोम शब्दों को ध्यान से सुनते हैं। बहुत, कम, पसंद, नापसंद, नजदीक, दूर, सुरक्षित, असुरक्षित, खतरनाक, सुरक्षित, निश्चिंत, चिंतित, आराम से, मुश्किल से या कठिनाई से,
सुविधा, असुविधा, दोस्त, दुश्मन, बनाना, बिगाड़ना, प्रिय, अप्रिय, साफ, मैला, स्वच्छ, अस्वच्छ, देश, विदेश। हमें पूरी आशा है कि आप इन शब्दों के माध्यम से विपरीतार्थक यानी विलोम शब्दों को समझ पाए होंगे। आइए अब चर्चा करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस वे क्रियाएं हैं जो हम नियमित रूप से करते हैं। इसका बोध कराने के लिए रोज, कभी कभी, हर वर्ष जैसे शब्दों का भी प्रयोग होता है। सो आइए वर्तमान काल के कुछ उदाहरण सुनते हैं। मॉरिशस में हर वर्ष पर्यटक आते हैं। इस वाक्य में आना क्रिया का प्रयोग वर्तमान काल में हुआ है। आइए बच्चों, आना, तैरना, खेलना क्रियाओं का रूपांतर वर्तमान काल में एक साथ सुनते हैं। आना क्रिया, मैं आता हूं, तू आता है, वह आता है, हम आते हैं, तुम आते हो, वे अथवा आप आते हैं। तैरना क्रिया, मैं तैरता हूं, तू तैरता है, वह तैरता है, हम तैरते हैं, तुम तैरते हो, वे अथवा आप तैरते हैं। खेलना क्रिया, मैं खेलता हूं, तू खेलता है, वह खेलता है, हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, वे अथवा आप खेलते हैं। अब आइए निम्न वाक्यों को सामान्य वर्तमान काल में सुनते हैं। करना क्रिया, माताजी रोज पूजा करती हैं। क्रिया है जाना। हम परिवार सहित कभी कभी समुद्र तट जाते हैं। इस बार क्रिया है बनना। दिवाली के अवसर पर सभी घरों में मिठाइयां बनती हैं। चमकना क्रिया से वाक्य, रात को आकाश में तारे चमकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आप स्वयं भी सामान्य वर्तमान काल में वाक्य बना पाएंगे। आप याद रख सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए। जैसे वह आता है, वह देखता है। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखकर क्रियाओं के वर्तमान काल के रूप को सुनिए। तैरना क्रिया, बच्चे समुद्र में तैरते हैं। क्रिया है लेना। पर्यटक सूर्य स्नान का आनंद लेते हैं। होना क्रिया से, पैरासेलिंग एक लोकप्रिय खेल है। खेलना क्रिया, हम समुद्र तट पर बीच वॉलीबॉल खेलते हैं। अब आइए दोस्तों कुछ अन्य उदाहरणों को भी सुनते हैं। जैसे सोना, लिखना, पढ़ना, चलना अथवा जाना। राम सोता है। सीता कलम से लिखती है। वह पुस्तक पढ़ता है। बच्चा चलता है। माँ बाजार जाती है। सो प्यारे साथियों, हमें आशा है कि इन उदाहरणों को सुनने के बाद आप भी सामान्य वर्तमान काल में क्रियाओं का उचित प्रयोग कर पाएंगे। एक अगली मुलाकात तक
हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।